क्रिएट न्यू फाइल किया, 100x1000x320 पिक्सल, 300 रिजोल्यूशन लेंगे, क्रिएट किया। सॉरी भाई बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए, पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक आ रही है, होगी आपको उसके लिए सॉरी। मैंने कलर ले लिया डार्क, मैंने ये कलर ले लिया, ठीक है। मुझे थोड़ा इसका डार्क लेना, डार्क शेड में, तो मैं डार्क शेड में गया। अब मैं क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब एक और जे कॉपी ले ली, कंट्रोल टी कर दिया मैंने, और इसको मैंने उठा के यहाँ पे ये कॉपी लिया जरूर है, ये देखो। अब यहाँ पे कलर हम चेंज कर देते हैं, मान लो कि वाइट रख दिया, ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। अब हमें शेप क्रिएट कर रहा हूँ, मतलब शेड दबा के आपको माउस से करना है, और ये आपको यहाँ पे ला के रख दिया, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा करेंगे, और फिर कंट्रोल जे किया, और यहाँ पे इस एरो पे हो गए, तो फिल को बंद कर देंगे हम, शो को ऑन कर देंगे, और वाइट रख देंगे शो, और इसको कर देंगे 7, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये तो हमारा 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिख दो, इससे आपको प्रॉब्लम ना हो, ये पीजी बैकग्राउंड, ठीक है। अब क्या करना है, थोड़ा सा दोनों लेंगे, कंट्रोल टी किया, थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ मैं, और अब मेरे को लेना है अंदर वाला पार्ट, मेरे को लेना अंदर वाला पार्ट, तो ऑर्ड दबाया, कंट्रोल टी किया, ठीक है। ये हमारा कुछ इस तरह बना, और फिर इसको उठाया यहाँ पे, कंट्रोल टी किया, और इसको छोटा करूँगा, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया, ठीक। और अब क्या करना है कि ये उठाओ, यहाँ लगा दो, और अब ये जो पार्ट है ना, कंट्रोल टी किया, इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे, और जैसे ये वो हमारी बॉर्डर लाइन, मतलब क्या तक थी, आपको पता है पहला कौन सा ग्रुप किया हुआ है। अब हमें करना है इसमें कलर, ये आलम में, तो क्या करोगे, ये है ना, यही तो है, हाँ, डबल क्लिक किया, ग्रेडियंट अप्लाई कर दिया, ग्रेडियंट हमने 100 लिया रिवर्स, देख लो, और ये जो मैंने कलर लिया ना, इसके कोड आप देख लो, ये कोड आ गया, और ये कोड है, देख सकता हो तो, हाँ ठीक है, ये कोड कर दिया, ओके किया। और अब सेम प्रोसेस, बस यहाँ पे 162 की जगह हम कर देंगे -2, और यहाँ पे 72 की जगह हम कर देंगे 82, ठीक है। ये हमारा करते हैं, जैसे ये जो हमारा रेक्टेंगल है ना, ये बॉर्डर वाला, इसको उठाते हैं और इस लेयर के ऊपर लाते हैं, उठाओ, ये लेयर के ऊपर आया। अब यहाँ पे क्या होगा कि अब ये जो चीज़ देख रहे हो ना, कि ये इसके अंदर चली जाएगी, ये नोटिस कर लेना, ले आए, ठीक। ये हमारी इमेज का इतना हिस्सा, उसको हम यहाँ तक ले आए, ठीक। अब क्या करना है, कंट्रोल टी किया, इमेज को हमने यहाँ तक घसीट दिया, और ये चीज़ तो मैं यहाँ ला रहा हूँ यहाँ से, और ये चीज़ यहाँ जाएगी, ठीक है।
ये हमारे यहाँ पे हो गई। अब यहाँ पे जो इमेज का ये बॉक्स दिख रहा है ना, अब यहाँ पे मुझे लानी इमेज, तो क्या करेंगे, घर यहाँ रखा और इसको कर देंगे क्लिप मास्क, इसको कर देंगे क्लिप मास्क। ये हमारा घर हो गया। कंट्रोल टी किया इसको और साइज को अपने अकॉर्डिंग सेट कर लो, इमेज को अपने अकॉर्डिंग सेट कर लो। ये हमारा ये हो गया ठीक। एंड सेकंड में भी सेम प्रोसेस। अब क्या करना है, यहाँ पर टेक्स्ट लिखेंगे, यहाँ पे आ जाओ, फाइंड योर, यहाँ लिखो फाइंड योर, ठीक है। अब जैसे इतना बड़ा लिखा, इसको साइज कम करेंगे थोड़ा सा छोटा, ठीक है। और टेक्स्ट को भी हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है, ये हमने कर दिया। अब इसका हमें कलर चेंज करना है, तो हम करें एंड थिंक इस इसकी कॉपी ली और यहाँ लिख दिया स्वीट होम, ठीक है, ये चीज हो गई। और अब 14 से इसका साइज, और इसका साइज हमने ये कर दिया। यहाँ पे इसका कलर हम सैंपल रख देते हैं, ये अच्छा लग रहा है ये चीज़, ये थोड़ा ये भी वैसा बेकार लग रहा है, ये हमने यहाँ कर दिया ठीक। और इसका कलर हम कर देंगे वाइट, इसका वाइट हो जाएगा और ये सही लगेगा। ये दोनों उठाओ, ये जो दोनों उठा के यहाँ रख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसका कलर हम चेंज कर रहे हैं, कलर ओवरले नहीं चाहिए मेरे को, स्वीट होम कर देते हैं ठीक। एंड अब एक बॉक्स क्रिएट कर रहे हैं ठीक, इसका ग्रेडिएंट अप्लाई कर देते हैं, जो हमारा ग्रेडिएंट था ये हो गया। अब इसको क्या करना है, कंट्रोल टी किया इसको और इसको कर देंगे स्क्यू। ये हमारा कुछ इस तरह तैयार हो जाएगा ठीक। ये हमारा कुछ इस तरह तैयार हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे टेस्ट सिंपल www.website.com, ठीक है। ये तो वैसा लग रहा है, हम बड़ा सिंपल करेंगे, सिंपल फॉन्ट, ये सिंपल। और साइज को रखेंगे, साइज हमारे यहाँ पे आएगा थोड़ा सा, हम दो हैं हम इसको कर देते हैं 5-6 बहुत है अपने हिसाब से देखा जाए ना, 6 बहुत है। मूव टूल पे गए, ये यहाँ लगा दिया ठीक है। और एक चीज़ और, अब आपको ये उठाना यहाँ पे और यहाँ से आपको कंट्रोल टी करोगे तो ये हमारा यहाँ पे तैयार हो जाएगा। अब आपको इस इमेज के पीछे डालना है ठीक है, ये चीज डन है। तो ये हमारा कुछ इस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक ले गुड बाय, आपको और नई वीडियोस आती रहेगी, तक ले जय।